हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टाइटल देखकर और थंबनेल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ अपने पुराने स्कूल में जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। 2016 में मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद अब 2021 तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद मैं अपने स्कूल में जा रहा हूँ। दो दोस्त मेरे पहले ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और मैं अब अपने घर से निकलने वाला हूँ। तो स्कूल में पहुँच के आपको अपने पूरे स्कूल का विज़िट करवाऊँगा। चलो, तो अभी मैं लेने आया था अनस को। अनस को पिक कर लिया है। हाय अनस, कैसे? तो अभी हम दोनों चलते हैं स्कूल में। हारिस हमें वहीं पे मिलेगा। हारिस स्कूल में के अंदर ही होता है। अनस को पिक कर लिया, अनस को लेकर दोनों भी निकल रहे हैं स्कूल में। हारिस स्कूल के ओनर और प्रिंसिपल जावेद इकबाल राव साहिब का बेटा है। और आए तो मैचिंग कर रखी है दोनों ने भाई। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना जीना। अभी हम चाय पी लें, इसके बाद फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसको। ये यहाँ पर देखें हमारी यादें। फिर राणा साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर बताएं, ये बताएं ज़रा इसके बारे में कुछ लोगों को बताएं। ये हमारा 2016 का रिजल्ट था, ठीक है। मोहम्मद अंस जावेद, उसके बाद साकिब आज एबसेंट है, वो वैसे ही नहीं आया, मगर नहीं आया, वो वैसे ही एबसेंट माइंडेड। और छोड़ दे, बस छोड़ दो, अपने पे आए सर, अपने पे आए, छोड़ दी। इसके बाद हारिस, ये रहा हारिस 988, हारिस जावेद। इसके बाद हारिस के बिल्कुल नीचे, हारिस के हमेशा नीचे 952 उसके अंदर। अब आए सर, हमें अब हम लोगों को अपनी क्लासेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस आता है, जो हर बच्चा डरता है। सारे बच्चे इस दफ्तर से डरते हैं, पता नहीं क्या इसमें खास बात है। सर आप भी डरते थे, आपके बाल नीचे करवाए गए थे, याद है आपको? याद है? आओ नहीं, आपको दफ्तर में चेक कराते हैं। ये सिकंदर को नहीं मिलना था, ये सिर्फ आपके भाई करवा सकता है। तो ये ऑफिस है, सिकंदर साहब आए, आपके ब्लॉग है सर। सिकंदर आज भी देखे दफ्तर में आते बता डरता है, क्योंकि इस जगह ये जो जगह देख रहे हैं इधर इसके बाल पानी लगा के नीचे करवाए गए थे, क्योंकि ये पहले बहुत पप्पू बाल रखने की कोशिश करता था। को मैंने पहली दफा रोते देखा था। मजे की बात बताता हूँ कि मैं जब स्कूल में था ना, तो मेरे बाल इस तरह के नहीं थे। मैं स्टाइल बनाता था स्पाइस, इस तरह के बाल बनाता था, खड़े बाल लगे। तो प्रिंसिपल साहब मुझसे पूछते थे कि यार ये तो नीचे क्यों नहीं करता। मैं कहता सर ये नीचे नहीं होते। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर मैं बैठा था, इस तरह बैठा था। तो सर ने बुलाया अपने डीन को, सर ने कहा कि जाओ अफसल नाम से अफसल पानी लिया। तो सर ने कुछ आसन है इस तरह पानी लगा के नीचे कर दिया नीचे। तो ये ऑफिस की हमें एक्सेस नहीं मिलनी थी, मगर मैं हारिस भाई का थैंक यू बोलता हूँ। कोई नहीं, पहले ही खुला हुआ था। अच्छा, उस दिन का मैं बता रहा था कि सर ने मेरे बाल नीचे करवाए, तो मैं क्लास में आके बहुत रोया। हारिस बता क्या सही था उसे, इन्हें भी याद है उसके सर से। भैया बंदा आया, मैं इसे कह रहा हूँ यार मैं तुझे इजाज़त करवाता हूँ, तू बाल रख, कोई बस ना नहीं, मैं तुझे इजाज़त करवाता हूँ। ये क्लास में आया इस तरह होता बस उस दिन के बाद से ना इस बंदे के बाल नहीं दोबारा खड़े हो सके। नहीं, वैसे वो अच्छा फैसला था सर का। वैसे उस दिन के बाद से मुझे बाल ही नहीं, मगर वो
लिटरली अच्छे बादले लगते हैं इस तरह स्पाइस कटे हुए, इस तरह मैं अच्छा लगता हूँ डिसेंट लगता है। मैं JW स्कूल में 8th क्लास में आया था। हारिस और अनस तो स्टार्टिंग नर्सरी से ही थे, दोस्त भी थे, क्लास फेलो भी थे, ये स्टार्टिंग से थे। मैं 8th में आया था, तो जब मैं आया 8th क्लास में तो फर्स्ट डे हमारी जो क्लास थी ये वाली क्लास थी। अभी लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा आपको मुश्किल होगी देखने में, लाइट होती है तो अच्छा लगता है। 8th क्लास में पहले डे आया था, पहले दिन यहाँ पे हमारा क्लास हुई थी, हमारा पहले दिन हमारा यहीं पे मीटअप हुआ था इसके साथ भी, साकी बनस के साथ भी। तो पहले दिन लड़ाई भी थी, ऐसे हल्की फुल्की चलती रहती है क्योंकि मैं मोनीटर था ना, आते ही मोनीटर एक मिनट यू नो भाई मोनीटर मैं था, मैं सिर्फ कुछ दिन लेट था, मैं नाना के घर गया हुआ था, ये सर मोनीटर बन के और पहले दिन ही मुझे खड़ा कर दिया क्लास में। मैं कब वाह भाई वाह कमाल कर दिया इस लोंडे ने। लेकिन उसके बाद यार अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी उसके बाद। ये हमारी 9th क्लास थी स्टार्टिंग में यहाँ पर। अभी दरअसल शाम का टाइम है तो अभी सफाई हो रही होती है पूरे स्कूल की, इसलिए क्लास थोड़ा मजाक दिख रहा है। सर का टाइम था यहाँ पे, इस तरह से लाइट देते थे, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी बात कर होता था। मोनीटर था मैं क्लास का, इसलिए मैं कंट्रोल करता था। ये हमारी 10th क्लास थी, हमारा लास्ट ईयर यहाँ पे गुजरा, बहुत कमाल का गुजरा है। पंखा चल गया, पंखा बंद कर दो। ये सीनरीज भी तब की लगी हुई थी सारी, उस वक्त भी होती थी। 10th क्लास में मैं मॉनिटर था भाई, यहाँ पे हमें कुट लगती होती थी, यहाँ ऐसे मारते थे। उसके अलावा आप बड़ी बड़ी जगह पड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी जगह। ये साफ है, ये हमारा स्टाफ रूम है, हमारे जो डियर टीचर्स थे, काबिले कदर टीचर्स हमारे, काबिले एहतराम, अभी भी याद आते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे, उतने जितने भी हमारे टीचर्स थे 8th से लेके, जिन्होंने हमें पढ़ाया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दुआ कर सकते हैं उनके लिए। वो जो हमारी लास्ट 10th क्लास थी वो तो सिर्फ नाम के लिए थी, कुछ टाइम के लिए हमने वहाँ पर स्टडी किया, उसके बाद जो हमने मज़े किए हैं वो यहाँ पे भी। ये हमारा हॉल था यहाँ पे, मतलब पेपर्स वगैरह भी होते हैं, मगर जब हमारा 10th था तो ये हॉल हमें दे दिया गया था। मैं हारिसन और टीचर लड़के और थे हम, तो हम यहाँ पे रह के यहाँ पे स्टडी करते थे सारा। हाँ, ये स्टडी होती थी यहाँ पे। हम फ्रिस्बी और इंडोर क्रिकेट बहुत कुछ खेलते हैं, इंडोर क्रिकेट हम खेलते थे यहाँ पे। वो APS का वाक्या हुआ था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, तो हम लोग खासतौर पर मैं और हम यहाँ बैठ के ये सोच रहे होते थे कि कोई आएगा जब किस कोई मतलब दहशत गर्द वगैरह हमला करेंगे तो हमने उन पर कौन सा एसेट गिराना है, हमने क्या करना है। हम अपने आप को एक हीरो सपोज कर रहे होते थे। ये सारा नीचे के एरिया था, अब ऊपर भी क्लासेज हैं, ऊपर लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी है और कुछ क्लासेज भी हैं। ये हमारा अपर सेक्शन है, लाइब्रेरीज वगैरह, यहाँ पे सीन बहुत कमाल का है। ये देखें, नेचुरल ब्यूटी। ये घास की सिकंदर की नहीं, यहाँ पे हम नीचे बैठ के यहाँ पे पढ़ते होते थे जब क्लासेस में थे, टेस्ट वगैरह होते थे वो भी हम नीचे बैठ के देते थे। ये फ्री नहीं थी लेकिन ये लॉक है क्लास तो ये हमारी प्री नाइन्थ क्लास थी जहाँ पे हमने मतलब प्री नाइन्थ की क्लास ली थी। और यहाँ पे भी हमने कौन सी क्लास ली थी, यहाँ पर हमारे साथ आग जलाने का वाकया हुआ था, बड़ा मज़े का वाकया हुआ था। हम क्लास में माचिस के साथ खेल रहे थे, हमने माचिस को आग लगा दी, ऊपर से आगे सर कहते हैं आप बीच में न्यूक्लियर बम बना रहे हो। सर ने हमें यहाँ पे मुर्गा बनाया था सबको, मैं हारिस और साकिब तीन चार और लड़के थे, यहाँ पे लाइन वाइज सबको मुर्गा बनाया, सब इस जगह पे मुर्गा बनाया। इस बच्चे दिखाएं कैसे बस लाइब्रेरी दिखा रहे हैं।
इधर है हमारी लाइब्रेरी भी, मगर लाइब्रेरी इस वक्त बंद है, लॉक लगा हुआ है, सारी लाइब्रेरी है। अब आपको हम अपना ग्राउंड दिखाते हैं, यहाँ पे हमारी कैंटीन भी थी, प्ले ग्राउंड भी है, बहुत खेली हमने क्रिकेट, बहुत खेली है। ये हमारा ग्राउंड है जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे मैचेस भी होते, जब हमारे स्पोर्ट्स होते थे तो वो यहाँ पे ही हम खेलते थे सारा, क्रिकेट भी उसमें होता था, क्रिकेट फ्रिस्की हमने बहुत खेली है यहाँ पे, इसके अलावा रस्साकशी और भी मुख्तलिफ गेम्स होती थी यहाँ पे, हर किस्म की गेम होती थी हमारी स्पोर्ट्स की। मैं आइस तो खैर हिस्सा नहीं लेता था, क्या लेता था भाई मैं, ओ भाई हर गेम में छक्का मारने वाला बंदा मैं था। छक्के छक्के से मुराद इसका क्रिकेट वाला छक्का नहीं है, ये बात याद रखी जाए, वो दूसरी टीम के छक्के होते थे। ये छक्के खाता था, वो समझ आप कौन से छक्के होते हैं, छक्के खाता था ना ना ना। यहाँ पर हमारी कैंटीन भी है जहाँ पे हम ब्रेक करते क्या करते थे, जो हमें आधे पौने घंटे की ब्रेक होती थी उसी में फिर हम गुजारा करते थे, इतनी लंबी चौड़ी ब्रेक तो होती थी सर। पहले वहाँ भी होते थे ना हरीश, पहले ये चीज जगह नहीं थी ना सारी, पहले ये जगह नहीं थी, ये बाद में बनी है, ये हमारे दोबारा कंस्ट्रक्ट हुई है इसलिए ये फिर नीचे इन्होंने सेटअप किया हुआ सारा। इधर वही मिलता था हलीम, नान चने, बिरयानी, अच्छा क्या बड़े नान खाए, अच्छा क्या बड़े नान खाए यार, रोगनी नान, पकोड़े पकोड़े बहुत खाए मेरा तो, रोगनी नान होता था स्पेशल, टिक्की लगा के, निमको लगा के, ओहो कमाल, आप लोग भी ट्राई करना कभी, कमाल हो जाए, बहुत अच्छे दिन होते थे। अब तो याद आती है स्कूल लाइफ, मगर जो साथ हवेली है इससे तो बहुत ही यादें हैं हमारी, बहुत सारी बॉल जिन्होंने, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो यहाँ पे बॉल जाती थी और ये बॉल वापस करते नहीं थे, पता नहीं ना की बीमारी सी, मतलब बंदा थोड़ी फेवर करता है कि लड़के खेल रहे हैं चलो यार बॉल दे दे, मगर ये बॉल नहीं देते होते थे, इन्हें कसम चुकी थी कि ऐसे गेम देनी नहीं। अच्छा एक चीज़ जो मुझे अपने स्कूल की बेस्ट लगती थी JW स्कूल की, वो ये कि हमारा लड़कियों का और बॉयज़ का कैंपस अलग अलग था, मतलब बॉयज़ कैंपस फ्रंट पे है, लड़कियों का पीछे है, लड़कियों की एंट्रेंस भी अलग है, लड़कियों की ब्रेक भी, लड़कियों की छुट्टी भी अलग होती थी, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं था यहाँ पे, ये चीज़ बेस्ट है JW स्कूल की। ये लड़कियों का कैंपस था यहाँ पे आगे, लाइन हो गया, इधर की एक्सेस नहीं है, इधर की एक्सेस नहीं है, इधर हम जा भी नहीं सकते, एक्सेस नहीं है, ऐसे जाना भी नहीं है। ये बिल्डिंग न्यू ऐड किया, पहले हमारे जमाने में तो नहीं थी ये बिल्डिंग, उसके इतना आता था, अभी न्यू कैंपस इन्होंने ऐड कर लिया है, शायद बच्चों के लिए प्राइमरी जिस सदी का सिकंदर है उस सदी में नहीं होती थी ये बिल्डिंग। अच्छा वो हमारी उधर नान वगैरह इस तरह की फास्ट फूड टाइप या हैवी फूड होती थी, ये हमारी एक मिनी मार्ट थी, मिनी मार्ट कह लें या मिनी कैंटीन कह लें, अभी तो बंद है, इसको ऐसे ही बजाते होते थे जब पेंसिल लेनी होती थी यहाँ से, मतलब बुक शॉप भी है, बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, कैंटीन भी है, जूस वगैरह सारी पैकिंग में जो चीज़ें होती हैं वह यहाँ से मिल जाती हैं बच्चों को, अभी बंद है वरना अभी मैंने भूख बड़ी लगी है, नहीं तो मैं कोई शहर ले लेने से बंद ही हो। और ये देखें सिकंदर के काम, ये अपने स्कूल टाइम से जब हम स्कूल में होते थे जब भी शीशे की जान नहीं छोड़ता था, जवान हो गया लौंडा, मैंने जान छोड़ी लौंडा जवान हो गया, हरकतें नहीं गई लौंडे की, वही वाली है यार। बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे स्कूल के, माशाल्लाह अभी भी याद आते हैं, मगर अब क्या कर सकती है, बाकी अब अगली लाइफ में इंजॉय करो यार। नहीं एक बात है, स्कूल जो था ना, स्कूल लाइफ में सिर्फ टेंशन जो थी ना वो थी पढ़ाई की, बोर्ड एग्जाम, उसके अलावा कोई टेंशन ही नहीं थी, चल सीन था, दोस्तों के साथ थे, खेलते कूदते थे, मतलब काफी मजे किए स्कूल में यार, वो चीज अब नहीं है, यूनिवर्सिटी में और बहुत प्रेशर एज यू नो। बाकी यहाँ के हमारे टीचर्स बेस्ट हैं, टीचर्स बेस्ट हैं, स्कूल का एनवायरमेंट, बाकी जो इंस्टीट्यूट चलता है वो डिसिप्लिन पे चलता है, और यहाँ का डिसिप्लिन मतलब लड़कों का और बॉयज़ का, उसके अलावा टीचर्स का और स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन, वह सारा फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, इतना ज़्यादा सख्ती भी नहीं है, मगर सब लोग डिसिप्लिन्ड हैं,
वेल ड्रेस्ड होते हैं। ये था हमारा आज का स्कूल का ट्रिप। ये टाइम गुजर जाता है मगर चीज़ें याद रहती हैं। इन्हीं चीज़ों में एक स्कूल लाइफ होती है जो इंसान को ज़िंदगी में हर मोड़ पे स्कूल लाइफ याद आती है। स्कूल के स्टूडेंट्स, मेरे कुछ दोस्त भी थे, इनके अलावा भी बेस्ट फ्रेंड भी थे और भी काफ़ी थे। आज साकिब भी मिस कर रहा है, अंसारिस तो बैठे हैं, साकिब भी नहीं है। और भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे जिन्हें मैट्रिक के बाद मिला ही नहीं अभी तक। हम तो साकिब, अनस, हारिस और मैं, हम तो मैट्रिक के बाद अब तक मिल भी रहे हैं। अभी तक हमारा वैसा ही रिलेशन है जैसा हमारा मैट्रिक में था। अभी भी हम अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। ना रोनंस, रोइना रोइना बस 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 इजी यार, ये जरा पागल हो गया। अब हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। I'm a nightcon, and my girl about a 10. I should fuck her in the bed.